एक बड़ी बड़ा प्यारा इतिहास है कि भाई लैणा जी कौन थे? भाई लैणा जी जो गुरु अंगद देव जी थे, सेकंड गुरु थे, वो गुरु बनने से पहले उनका जो नाम था लैणा था, भाई लैणा जी, ठीक है। अब मैं आपको वो पहली वाली मीटिंग के में लेके जाना चाहता हूँ जब भाई लैणा जी और गुरु नानक देव जी पहली बारी देखा था एक दूसरे को, ठीक है। अब गुरु नानक देव जी तो हमें पता है, राइट? हु इज गुरु नानक देव जी? परमात्मा, उन्हों को तो सब कुछ पता है, ठीक है। तो करतारपुर की धरती से थोड़ा सा दूर ना, थोड़ा सा ही दूर जब भाई लैणा जी पहुंचे तो ना भाई लैणा जी को थोड़ी सी खिंच हुई कि उन्होंने ना गुरु नानक देव जी के बारे में सुना हुआ था बहुत, ठीक है। उन्होंने को खिंच थी कि उन्होंने सुना हुआ था कि करतारपुर में है एंड ऑल, तो उन्होंने को हुआ कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं किस दिन ना उन्होंने को मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो जब भी सुनते थे ना गुरु नानक देव जी के बारे में, उनका नाम सुनते थे, उन्होंने को ऐसा लगता था कि कुछ अपना सा है इसमें, ठीक है। तो जब वो थोड़ी सी दूर करतारपुर की धरती से थे तो गुरु नानक देव जी है ना, सत्संग हो रही थी, संगत बैठी थी बहुत सारी, गुरु नानक देव जी उठ जाते, ठीक है, और जो संगत है ना वो भी उठने लगती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं बैठ जाओ, तो सारे बैठ जाओ। तो वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, जरा मुझे किसी को लेने जाना। तो संगत में से दो चार उठे, वो कहते हैं कि गुरु महाराज आप बैठो, हम ले आते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि नहीं, वो काम मेरा है, वो मैं ही लेके आऊँगा, आप नहीं लेके आओगे, आप में से कोई नहीं लेके आएगा, वो काम मेरा है, ठीक है। उस दिन ना जो इतिहास में लिखा है कि गुरु महाराज का चेहरा बहुत लाल और गुरु महाराज बहुत खुश। अब देखो जो मैं बातें कह रहा हूँ वो इंसानी उसमें कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे जो परमात्मा है, जो गुरु है, वो सुख और दुख से रहता है, ठीक है। तो बट इतिहास ये चीज़ें बताई गई हैं इतिहास में, क्योंकि संगत भी वहाँ बैठी थी, ठीक है, तो उन्होंने देखी वो चीज़ें। और चाह में गुरु नानक देव जी जाते हैं, ठीक है, भाई लैणा जी के पास जाते हैं वो, ठीक है। जब वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पर सत्संग होती है, धर्मशाला होती है, तो वहाँ पर जाके कहते हैं कि यहाँ अंदर ही गुरु नानक देव जी बैठे हैं, आप जाके दर्शन कर लो उनके। ये गुरु नानक देव जी कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई लैणा जी उनको थैंक्स करते हैं, उनको कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब गुरु महाराज ने भाई लैणे को, अब भाई लैणे को मैं एज अ सिख, भाई लैणा जी को मैं एज अ सिख मतलब बात करूंगा, अब जो भी मैं सिद्धांत शेयर करूंगा आपके साथ। तो जब वो जाते हैं, गुरु महाराज को पता होता है, राइट, भाई लैणा जी पर, भाई लैणा जी को पता होता नहीं। इसी तरह से ना गुरु प्यारे हो, जो गुरु है ना वो हमें बहुत अच्छे से जानता है, एक सिख को, अपने सिखों को बहुत अच्छे से जानता है, पर जो सिख है ना वो नहीं जानता। ये एक बहुत बड़ी समझ है जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि दुनिया में हम लोगों का एनवायरनमेंट और दुनिया में इतना कुछ है ना कि हम लोग कई बारी वो भूल जाते हैं कि वो हमें जानते हैं, वो हमारे कर्मों को भी जानते हैं, वो हमारे आने वाले टाइम को जानते हैं, हमारे पिछले टाइम को जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम उन्हें नहीं जानते। अगर हम उन्हें नहीं जानते तो क्या करना बनता है? उनके बारे में जानना। ये एक गुरु के सिख की बहुत बड़ी करैक्टरिस्टिक है, बहुत बड़ी ड्यूटी है जो उसको एवरी डे करनी चाहिए, क्योंकि अगर जिसने उसको तारना है, जिसका सिख ने हुक्म मानना है, जिसके बताए हुए राह पर चलना है, अगर उसके बारे में नहीं पता होगा तो उसके बताए हुए राह को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और वहीं पर ही लोग लड़खड़ाते हैं, वहीं पर ही लोग गिर जाते हैं जिसके बारे में पता नहीं, उसके बताए हुए रास्ते पर एक तरह से विश्वास भी नहीं होता, क्या ठीक है ये, क्या ये वाला हुक्म क्यों दिया, लॉजिक क्या है इसके पीछे, साइंस क्या है, क्यों दिया, क्या जरूरत थी, ये इस तरह की चीजें बहुत आती हैं, केसों में बहुत आती है, बाल क्यों रखने हैं, इसके पीछे क्या है, क्यों रखने हैं, सब तो काट रहे हैं, क्यों रखना, कड़ा क्यों पहनना है, इसके पहनने से क्या हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारे हुक्म। आप अभी ये देख लो कि गुरु महाराज का एक हुक्म है, दस्तार बिना नहीं रहना। अब वो हुक्म उन्होंने दस्तार के लिए दिया है,
वॉट इफ अगर उन्होंने हुक्म उन्होंने ये दिया होता कि जब भी घर से बाहर निकलना है तो अपने सिर पे 10 किलो पत्थर लेके चलना है। हम लोग जरूर पूछते गुरु महाराज क्यों भाई, इसका क्या सेंस बनता है, राइट। इसी तरह से ना लाइफ में बहुत सारे ऐसे हमें हुक्म पता चलेंगे, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत पता चलेंगे गुरु महाराज के दिए हुए, जो हम हमारे अकॉर्डिंगली ना कभी सेंस नहीं भी करते होंगे कि यार ये सेंस बन नहीं रही। जो रहत गुरु महाराज ने हमें दिया उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी डिबेटेबल हैं, पर हमें क्या करना है, हमें ये समझ रखनी है कि हमें रोज उनके बारे में जानना है। जितना उनके बारे में पता होगा उतना ही हमारा उनके साथ प्यार और विश्वास बढ़ेगा, और उनके जो बताए हुए हुक्म है उनों पर उतने ही हमारे कम सवाल हो जाएंगे। देखो एक होती है जानकारी, ज्ञान, जिसके जो अब हम कर रहे हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं, राइट, सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं, हमारा दिमाग और खुल रहा है। बट एक होता है तर्क करना, एक तर्क करने वाला सवाल होता है ना, अंदर पता है कि मैंने मानना नहीं है, पर जान के क्या सेंस बनती है इस चीज की, क्यों रखना है, क्यों करना है, क्यों अमृत वेले ही सारा टाइम वाहेगुरु जी ने बनाया, सेंस तो नहीं बनती वैसे एक्चुअली में। रात को जो भी 7:30-8 बजे के बाद अंधेरा हो ही जाता है, 9:30-9:30 बजे के बाद ट्रैफिक भी कम हो जाता है, अभी तो कोविड चल रहा है सारा दिन ही कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, 9:30-9 बजे के बाद ही शांति मिलनी शुरू है, कमरे में जाके बैठ जाओ बड़ी शांति है। पर हमारा दिमाग उतना है ना कि हमें लगता है अमृत वेला इज ओनली अबाउट शांति, कि शांति होती है तो नाम सिमरन करना आसान रहता है। नहीं, वैसे तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पर मैं अंदर नहीं घुसना चाहता इसमें, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस तरह के बहुत चीज़ें हैं जो पता चलेंगी हमें, बट हमने क्या करना है, मानना, बस उसमें हमारा भला है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा रवैया कभी मत रखना कि मैं इस हुक्म या इस सिद्धांत के बारे में या गुरमत के बारे में, मतलब इन चीज़ों के बारे में मैं और जान लूँ, थोड़ा और मैं समझ लूँ, या मैं पक्का हो जाऊँ कि हाँ ये सही है, तब जाके मैं निभाऊंगा। वहाँ फंस गए हम, वो फंस गए, वो फिर ऐसी लाइफ की गदी गेड़ में फंसेंगे ना, वहाँ से निकलना बड़ा होगा। गुरमत में, सिक्खी में ना, इतिहास में भरा पड़ा है इतिहास इन चीज़ों से, जहाँ पर गुरसिखों ने गुरु महाराज का हुक्म आंख बंद करके माना एंड दे हैव सक्सीडेड इन लाइफ, दे हैव गिवन अवस्था उन्हों को ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था गुरु महाराज ने कृपा कर दी, सिद्धि सिद्धि। सोचो थोड़े बहुत करने हैं, ज्यादा नहीं कर, औखा नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत टेक्निकल हो जाना अंदर या यू नो, नहीं, बस मानना है। शुरुआत करोगे ना मानने की, फिर ऐसी कृपा होगी गुरु महाराज की कि केक वॉक लगेगा सब कुछ। कहया जे करे सुखी हो सुखसार।